एनसीपी के नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अजीत पवार से गलती हो गई है। तो नवाब मलिक ने कहा है कि अजीत पवार गलती मान ले तो बेहतर होगा, शाम तक सभी विधायक वापस आ जाएंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे, ये कहना है नवाब मलिक का। तो जिस तरह से अब तक कहा जा रहा था कि अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन अब नवाब मलिक की तरफ से, एनसीपी के नेता है नवाब मलिक, जिनकी तरफ से ये अपील कहीं ना कहीं अजीत पवार के लिए की गई है कि आप वापस आ जाएं, गलती आपसे हुई है लेकिन माफ कर दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं तो ये बेहतर होगा। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस को यहां पर कहा गया है कि आप इस्तीफा दे दे। कल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस पर यह कहा गया है कि इस्तीफा देना होगा पद से। और इसके साथ ही अजीत पवार से अपील यहां पर की गई है कि आप गलती को स्वीकार लें, बेहतर होगा कि गलती को स्वीकार कर आप वापसी कर लें। तो शाम तक सभी विधायक वापस आ जाएंगे, ये भी नवाब मलिक के जरिए बतलाया गया है। दरअसल कुछ विधायक कहा जा रहा है कि गायब हैं, मिल नहीं रहे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ विधायक एनसीपी के साथ है, यानी कि शरद पवार के साथ है, और कुछ अजीत पवार के साथ है। तो ऐसे में अपील यहां पर अजीत पवार से फिलहाल ये की गई है कि आप अपनी गलती को स्वीकार लें और वापसी कर लें, क्षमा कर दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल ये अगला रुख अजीत पवार का यहां पर क्या कुछ रहने वाला है ये देखना होगा, क्योंकि पहले से ही यहां पर दरकिनार कहीं ना कहीं अजीत पवार को कर दिया गया है। जब कल उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की ठानी तो उसके बाद शरद पवार ने इनकार कर दिया, और इसी तरीके से विपक्षी दल का जो नेता है, एनसीपी का विधायक दल का नेता चुना गया था, उससे भी उनको बर्खास्त कर दिया। बहुमत नहीं है और निश्चित रूप से पटल पे ये सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से हालात बने हैं, विधायक कल तक 5 विधायक हमारे संपर्क में नहीं थे। अम्बल नेर के विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए, उनके पुत्र ने हमें फोन किया है, वे संपर्क में आ रहे हैं। हमें लगता है शाम होते होते सारे विधायक लौट आएंगे, और इससे पहले कि पटल पे बहुमत प्राप्त न कर पाए देवेंद्र जी, हम मांग करते हैं कि देवेंद्र जी इस्तीफा दे दें। कल महाराष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में लोकतंत्र के लिए काला दिन था, ब्लैक सैटरडे। जिस तरह से महाराष्ट्र के राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, वो एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करके और महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं, ये पहली बार देश में हुआ। एक राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है और राज्य की जनता को पता नहीं, जनता सोई है, जनता को कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अचानक जनता जागती है तो उनको पता चलता है कि किसी ने शपथ ली है। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहां पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। ऐसा ही कल लोकतंत्र में हुआ है। राष्ट्रपति भवन और राजभवन का इतना दुरुपयोग देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 5 बजे राष्ट्रपति भवन से आदेश आता है और महाराष्ट्र का राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है, इतनी क्या जल्दी थी? शिवसेना को 24 घंटे भी नहीं देते हैं, एनसीपी को 24 घंटे भी नहीं मिल जाते हैं, लेकिन एक फर्जी डॉक्यूमेंट अजीत पवार लेके जाता है राजभवन में, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको सही मानकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आदरणीय भगवान जी कोश्यार जी वो फर्जी डॉक्यूमेंट को सही मानकर उनको शपथ ग्रहण देते हैं, करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ये मौका शिवसेना को क्यों नहीं मिला? ये मौका एनसीपी को क्यों नहीं मिला? आज हम तीनों पार्टी की तरफ से राज्यपाल जी को सत्ता बनाने का दावा हम पेश करने वाले थे। उससे पहले जिस प्रकार से डाउन पे षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, वो काला दिन है। अब बीजेपी को ये अधिकार नहीं
कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को काला दिन कहे, लोकतंत्र की हत्या कहे, उससे भी घृणास्पद कार्य महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कल हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप कुछ भी करें, हमारे पास बहुमत है। अगर राज्यपाल आज भी कहे, अभी कहे 10 मिनट में, तो बहुमत का आंकड़ा लेकर विधायकों के साथ राज्यपाल जी के सामने हम बहुमत का परेड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं।